Now the lesson number 12. So general environment and environmental forces affecting organizations. Forces होती हैं जो कि affect करती हैं organization को, जैसे कि cultural forces, political, legal forces, technological forces, competitive forces, ये तमाम forces affect करती हैं organization को. Now the external environment. External environment है क्या? वो factors जो कि organization से बाहर होते हैं और ज़ाहरी बात है management का उनके ऊपर कोई control नहीं होता. और external environment में mega और broad task environment दो होते हैं. अब ये आगे चल के क्लियर होता जाएगा कि ये मेगा एनवायरनमेंट में क्या शामिल है या टास्क में क्या शामिल है. तो मेगा एनवायरनमेंट को जनरल एनवायरनमेंट भी कहा जाता है और ये वो फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कंपनी को, रिफ्लेक्ट करते हैं कंडीशंस और ट्रेंड जो सोसाइटी के अंदर होते हैं जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है. और टास्क एनवायरनमेंट के अंदर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को. ये क्लोज होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो क्लोज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ और अफेक्ट करती हैं उसको बहुत ज़्यादा. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लोज जो है वो टास्क एनवायरनमेंट है, सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक ग्रुप, प्रेशर ग्रुप. और उसके ऊपर है मेगा एनवायरनमेंट की चीज़ें जो कि ग्लोबल, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक ये शामिल है. सो यहाँ पर मेगा एनवायरनमेंट दिखाया जा रहा है. सो पाँच चीज़ें हैं, पांच एलिमेंट्स हैं मेगा एनवायरनमेंट के. एक तो है टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है बिजनेस के अंदर. सो करंट स्टेट ऑफ नॉलेज क्या है रिगार्डिंग प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और इकोनॉमिक एलिमेंट यानी कि वो सिस्टम जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन का है वेल्थ की. और उसके बाद है लीगल पॉलिटिकल एलिमेंट, लीगल और गवर्नमेंट सिस्टम जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होती है. और उसके बाद है फिर सोशियो कल्चरल एलिमेंट्स. सो ये क्या है, गिवन ज्योग्राफिक एरिया का एटीट्यूड्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, बिहेवियर, ये तमाम चीज़ें हर ज्योग्राफिक एरिया की ज़ाहिर बात है डिफरेंट होती हैं. और उसके बाद है फिर इंटरनेशनल एलिमेंट. इंटरनेशनल एलिमेंट की बात होती है तो जो डेवलपमेंट बाहर की कंट्री में हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के होम कंट्री के अलावा, और उसका ज़ाहिर बात है एक पोटेंशियली इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन पर. जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास एक मशीनरी लगी हुई है लेकिन उसकी उस जैसी नई एक मशीनरी ईजाद हो जाती है जिसमें नई ज़ाहिर बात है ज़्यादा एडवांस फीचर हैं, तो ज़ाहिर बात है उसका भी एक इन्फ्लुएंस पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. सो टास्क एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सप्लायर, पब्लिक प्लेशर ग्रुप, द एम्प्लॉयमेंट मार्केट और गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन शामिल हैं. सो फाइव एलिमेंट्स हैं. कस्टमर और क्लाइंट हैं जो कि परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं. कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि राइवल प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं. और सप्लायर होते हैं जो सप्लाई करते हैं रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को. लेबर सप्लाई होती है, लेबर सप्लाई से मुराद ज़ाहिर बात है ऐसे लोगों की सप्लाई जिनको पोटेंशियली तौर पे ऑर्गेनाइजेशन रख सकती है काम के ऊपर. और गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, वो एजेंसीज होती हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं और मॉनिटरिंग करती हैं कि लॉज और रेगुलेशन जो है वो लोकल, स्टेट, रीजनल और नेशनल लेवल पर ये सब चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं. और उसके बाद जो है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, फोर्सेस इन द टास्क एनवायरनमेंट के अंदर कॉम्पिटिटिव फोर्सेस. और दरमियान में जो है वो राइवलरी है अमंग एग्जिस्टिंग फर्म इन इंडस्ट्री. जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनके दरमियान एक राइवलरी चल रही है. और एक तरफ जो है वो थ्रेट है नए कॉम्पिटिटर का, नया कॉम्पिटिटर आ सकता है उसका भी थ्रेट है. एक तरफ है थ्रेट जो है सब्सटीट्यूट गुड्स एंड या गुड्स और सर्विसेज का, यानी कि जो मुतबादल प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनका भी एक थ्रेट है. और एक तरफ सप्लायर की बार्गेनिंग पावर है तो दूसरी तरफ बायर की बार्गेनिंग पावर है. सो नेचर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन का ज़ाहिर बात है कल्चर होता है और कल्चर का जो है वो इफेक्ट होता है ज़ाहिर बात है. और ज़ाहिर बात है ये जो कल्चर होता है ये वर्क करता है एज अ ग्लू के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तमाम हिस्सों को एक तरह से जोड़ के रखता है ये. सो कल्चर है क्या, सिस्टम है शेयर्ड मीनिंग का और बिलीफ का जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के पास होता है. सो सोर्स ऑफ कल्चर्स यूजुअली रिफ्लेक्ट करता है ये विजन और मिशन जो फाउंडर की इमेज का. और किस तरीके से एम्प्लॉयज़ लर्न करते हैं, सीखते हैं कल्चर को. सो स्टोरीज के ज़रिए सीखते हैं जो कि किसी भी एक ख़ास इवेंट या लोगों के बारे में होती है उसके ज़रिए सीखते हैं. रिचुअल्स के ज़रिए सीखते हैं, रेपिटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी. और मटेरियल सिंबल्स के ज़रिए सीखते हैं, मटेरियल सिंबल्स होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे कि ऑफिस का साइज़ है और एक्सेप्टेबल जो अटायर है यानी कि जो एक्सेप्टेबल ड्रेस है वो. और
उसके अलावा लैंग्वेज है, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक तरह से कुछ अलग वर्ड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स ने डेवलप किए होते हैं, जो कि यूनिक टर्मिनोलॉजी होती है, अलग-अलग, सारी बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो वो जो है, जब कोई एम्प्लॉय नया आता है तो वो वक्त के साथ साथ उसको सीख जाता है। सो नाउ दी ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की सक्सेस और ग्रोथ के अंदर। सो इसमें एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप, कॉम्पिटिटर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन, गवर्नमेंट, मीडिया, सप्लायर कम्युनिटीज, शेयर होल्डर्स यूनियन, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब कुछ स्टेक होल्डर्स को देखते हैं, उनका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में होता है। ऑनर और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता है कि कंपनी कितनी फाइनेंशियली साउंड है, फाइनेंशियली रिसोर्सेज हैं नहीं है, और किस हद तक वो मीट करती है शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन को, और प्रॉफिटेबिलिटी उसकी सस्टेंड है, बरकरार है, और एवरेज रिटर्न ऑन एसेट्स ये भी देखते हैं वो, और टाइम पे और एक्यूरेट डिस्क्लोजर करती है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को या नहीं। कस्टमर क्या देखता है कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की या नहीं है, और उसकी अवेलेबिलिटी किस हद तक है, और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है अगर डिफेक्टिव या हार्मफुल प्रोडक्ट है, और सेफ्टी रिकॉर्ड है प्रोडक्ट और सर्विसेज का, और प्राइसिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेज ये भी देखती है, और ऑनेस्ट, एक्यूरेट और रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग ये भी देखती है। और एम्प्लॉयज़ देखते हैं क्या, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मेरिट बेस्ड हायरिंग और प्रमोशन को, कि लोगों के दरमियान जारी बात है फ़र्क ना किया जाए इस बुनियाद के ऊपर कि कोई शख्स आपको पसंद आ जाए पर्सनली, तो उसको पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद पे किसी को सिलेक्ट किया जा रहा है और प्रमोशन दिया जा रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि काबिलियत की बुनियाद पे जाहिर बात है किसी को भी सिलेक्ट किया जाए और उसको प्रमोशन दिया जाए। और डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स की, ये ना हो कि एक ही तरह के लोग मौजूद हैं, एक ही इलाके के और एक ही जबान वाले लोग मौजूद हैं, तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये भी देखता है एम्प्लॉय, और वेज और सैलरी लेवल भी देखता है वो, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जितना काम ले रहे हैं उतनी सैलरी भी हो, और अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इनकी ट्रेनिंग भी वहाँ कराई जाए, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी हो, वर्क प्लेस के अंदर सेफ्टी हो, प्राइवेसी हो। कम्युनिटी क्या देखती है कि एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, पैकेजिंग के अंदर, प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर, रिसाइकलिंग एफर्ट्स हो, रिसाइकिल करें और जारी पता यूज़ करे रिसाइकल मटेरियल, पोल्यूशन प्रिवेंशन हो, पोल्यूशन ना फैलाए, और ग्लोबल एप्लीकेशन हो, जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड है उनको जारी बात है अप्लाई किया जाए। सो नाउ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन जारी बात है रिस्पॉन्सिबल होती है सोशली भी, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपना काम करें, अपना प्रॉफिट अर्न करें और निकल रहे, ऐसा नहीं होता, बल्कि जारी बात है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ये जो है ऑब्लिगेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो ऐसे एक्शन ले जिसके ज़रिए वो प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे जो सोसाइटी की वेलफेयर एज अ होल, पूरी की पूरी सोसाइटी, ये नहीं कि जिस इलाके में मौजूद है सिर्फ वो, नहीं, पूरी की पूरी सोसाइटी, और साथ में ऑर्गेनाइजेशनल जो इंटरेस्ट है उसको भी सपोर्ट करे, अपना जाति मफाद भी उसको भी देखे, और साथ में जो सोसाइटी की वेलफेयर है जाहिर बात है उसका भी ख्याल करे। तो ये हुआ लेसन नंबर 12 का प्लेट। नाउ द लेसन नंबर 13, इसमें थोड़ा सा रिकैप है सेशन नंबर 12 का। सो ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पीछे भी आ चुका है, हर ऑर्गेनाइजेशन की जारी बात है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, अपनी प्रॉफिट तो वो अर्न करे लेकिन सोशली रिस्पॉन्सिबल भी होती है, वो ऑब्लिगेशन होती है कि वो ऐसे एक्शन ले के जो प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे सोसाइटी के वेलफेयर को एज अ होल, सिर्फ ये भी नहीं कि जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी, और सपोर्ट करे जारी बात है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को भी, अपना भी जारी बात है ऑर्गेनाइजेशन जो भी उसका इंटरेस्ट है उसके मफाद है उसको भी देखे, लेकिन साथ में सोसाइटी की वेलफेयर भी। अब कुछ एथिकल गाइडलाइंस है मैनेजर्स के लिए, कुछ अखलाकियात हैं जो मैनेजर के अंदर होना चाहिए। पहली चीज़ ये कि वो फॉलो करे लॉ को, और वो टेल द तुरंत, यानी कि लोगों को सच बताए, कस्टमर को सच बताए और दूसरे लोगों को भी सच बताए, और लोगों को रिस्पेक्ट दे। मैनेजर बनने का ये मकसद नहीं होता कि दूसरों को रिस्पेक्ट ना दे, बल्कि दूसरों को रिस्पेक्ट दे। अब ऑफ ऑल डू नॉट हार्म, दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए, कस्टमर्स को नुकसान ना पहुँचाए, इन्वेस्टर्स को नुकसान ना पहुँचाए, अपने सबऑर्डिनेट्स को नुकसान ना पहुँचाए, और पार्टिसिपेशन करे वो। पार्टिसिपेशन से इंसान सीखता है, पार्टिसिपेशन से इम्प्रूवमेंट आती है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स एक्शन। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा होती है, तो इसीलिए उनके लिए एक्शन भी रिक्वायर होते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप, थ्री इंपॉर्टेंट थीम्स। सो कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट थीम्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। सो पहला ये कि परस्यू करे अपॉर्चुनिटी को, अपॉर्चुनिटी को हासिल करे। अपॉर्चुनिटीज़ तो मौजूद हैं लेकिन अगर उनको परस्यू ही नहीं किया जा रहा तो जाहिर बात है नुकसान होगा। उसके बाद है फिर इनोवेशन, बी इनोवेटिव, इनोवेटिव हो, इनोवेटिव चीज़ें लाई जाएं, ऐसी प्रोडक्ट्स लाई जाएं जिनसे जो नीड पूरी नहीं हो रही उनको पूरा किया जा सके, और उसके अलावा ग्रो किया जाए अपने बिजनेस को, एक जगह रोका ना रखा जाए।
सो नाउ द ई बिजनेस। अब आज के दौर में ई बिजनेस काफ़ी कॉमन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, लिंक करती है अपने आप को स्टेक होल्डर से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, और इसी की एक सबसेट है हमारे पास ई कॉमर्स। आज के दौर में ई कॉमर्स साइट काफ़ी कॉमन है, अमेजोन इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जहाँ पे इंटरनेट के जरिए जो है जारी बात है चीज़ें जो है कस्टमर्स परचेज करते हैं, और जो सेलर्स होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसकी जो फुल फॉर्म है वो है, तो यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक तिजारत होती है ये। सो उसके बाद है फिर इंट्रानेट। इंट्रानेट जो होता है वो अपना इंटरनेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और इसी वजह से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन तक एक्सेस होता है इसका। उसके बाद है वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी, और एक इंटरनल जारी बात है इन्वायरमेंट होता है हर शख्स का, इनर लाइफ होती है एक शख्स की, हर शख्स की, और इनर लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो हमें बिलीव होना चाहिए कि हम जो है वो कम्युनिटी में हैं, और हम कोई चीज़ कम्युनिटी से लेते हैं और कुछ देते भी हैं। सो ग्लोबलाइजेशन, आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का है। सो ग्लोबलाइजेशन में जो है वो इंट्रैक्शन होता है लोगों के दरमियान, कंपनीज के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान, वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में जारी बात है इंट्रैक्शन होता है। और आज के दौर में नेशनल बॉर्डर्स मायने नहीं रखते, नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है जारी बात है। आज के दौर में नेशन स्टेट्स होती हैं, हर नेशन का, हर कंट्री का अपना बॉर्डर ज़रूर है, लेकिन वो जारी बात है वो मायने नहीं रखता आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये हुआ लेसन नंबर 13। नाउ द लेसन नंबर 14, जिसके अंदर थोड़ा रिकैप है सेशन नंबर 13 का। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था पिछले लेसन के अंदर, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशनल जो बॉर्डर्स हैं वो रुकावट नहीं है, और ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो है वो इंट्रैक्शन होता है लोगों के दरमियान, कंपनीज के दरमियान और गवर्नमेंट्स के दरमियान, वर्ल्ड वाइड। सो नेशनल बॉर्डर्स की कोई देखा जाए तो वैल्यू नहीं है, कोई कोई इतनी ज़्यादा मतलब रुकावट नहीं है एक तरह से जितनी पहले थी। सो अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड WTO, WTO जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पहले GATT होता था जो कि एक एग्रीमेंट था, उसके बाद WTO आ गई यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गई। सो रीजनल ट्रेड अलाइंसेस, हर रीजन के ऊपर एक अलाइंस मौजूद है, जैसे यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन है, साउथ एशिया के अंदर SAARC है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर NAFTA है, और ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आसियान है। सो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज आपके सामने मौजूद हैं मैप के ऊपर, जिनमें से UK अब हिस्सा नहीं है, और ज़्यादातर यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं, कुछ एक दो ईस्टर्न यूरोप के भी हैं। सो इसका जो गोल है यूरोपियन यूनियन का, वो सिंगल मार्केट को क्रिएट करना, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान और जो बैरियर्स हैं उनको एलिमिनेट करना। सो रीजनल ट्रेड अलाइंस यूरोपियन यूनियन इसको क्रिएट किया था मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के जरिए 1992 में, और यूरोपियन यूनियन से जो है क्या हुआ, यूनिफाइड और इकोनॉमिक और ट्रेड एंटिटी, यानी कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एक ही इकोनॉमी है और एक ही ट्रेड एंटिटी हैं, और सिंगल मार्केट बनी, तमाम कंट्रीज़ मिलके एक सिंगल मार्केट बन गई, और विदाउट एनी बैरियर्स, बगैर किसी बैरियर के ट्रेवल के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेड के लिए। और इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन भी है, सेम करेंसी है हर कंट्री, हर मेंबर कंट्री के अंदर यूरो है, और पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब सेम है। और असर्शन हुई इकोनॉमिक पावर के अंदर, यानी कि इकोनॉमिक पावर में इजाफा हुआ, और इस हद तक इजाफा हो गया कि दूसरे कंट्रीज़ पे भी दबाव डाल सकते हैं ये। और ए वर्ल्ड वन ऑफ दी वर्ल्ड रिचेस्ट मार्केट जो है वो बनाई गई है। उसके बाद है गोल्स ऑफ नेफ्टा। नेफ्टा जो है जारी बात है ये बनाई गई नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के दरमियान, US, कनाडा और मेक्सिको के दरमियान। इसका जो गोल था वो ये है कि प्रमोट किया जाए लिबरलाइज ट्रेड को, ना कि फ्री ट्रेड को, और एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको। उसके बाद है फिर आसियान। आसियान जो है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उनके दरमियान है, 10 साउथ ईस्ट एशियन ऐसे नेशन हैं जो कि जिनके दरमियान बनाई गई, 10 साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनके दरमियान बनाया गया इसको। और ये जिस रीजन पे, जिस इलाके में वाकई है दुनिया के, वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक रीजन है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि टॉप कंट्रीज के अंदर आते हैं अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए, और ये नेफ्टा और EU को भी कॉम्पीट कर सकता है। सो आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं आसियान के मेंबर्स। सो इसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया ये ऐसे मेंबर हैं जो कि टॉप इकोनॉमिक ग्रोइंग नेशन में आते हैं। सो ग्रीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, अगर हम इसकी बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर असर पड़ता है, नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान भी हो सकता है। सो ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि ओजोन लेयर को रप्चर करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो वो बैन हैं।
सो नाउ द पोल्का फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोल. सो अगर आप प्लान बनाने में फेल हो जाते हैं तो आप एक तरह से फेल होने का प्लान कर रहे हैं. आज के जितने भी सीड्स हैं वो जो है कल के फूल होंगे. तो यानी आज अगर कोई चीज़ छोटी है और सारी बातें ग्रो कर रही है वो, तो कल जाके वो एक बड़ी चीज़ बन सकती है. सो क्वेश्चन ये कि डू यू वॉन्ट टू गो एनी वेयर और समवेयर, आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं, तो आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है और इसके लिए आपको प्लान की ज़रूरत है. और इसका छोटा सा केस स्टडी है कि मैं अपनी लाइफ के साथ गेम की तरह खेलता हूँ, लेकिन इस बात से वंडर होता हूँ, हैरान होता हूँ कि हर दिन के आखिर में मेरे हाथ कुछ नहीं आता, मेरे रास्ते में कुछ नहीं आता. तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं प्लान करूँ और मैंने अपने आप से कहा हाँ मैं कर सकता हूँ और हर चीज़ मेरे रास्ते में आने लगती. सो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपने सिर्फ प्लान बनाना है और अपने आप से कहना है कि मैं जानता हूँ और मैं कर सकता हूँ. सो प्लानिंग जो है वो है एडवांस डिसीजन मेकिंग. सो डिसीजन मेकिंग जो है वो एसेंस है मैनेजर्स की जॉब का, बेसिक में से शामिल है, बुनियादी चीज़ों में से शामिल है ये मैनेजर की जॉब की. सो एलिस इन वंडरलैंड की एक कहानी है जहाँ पर एलिस जो है वो एक चौक पर, एक चौरंगी पे है और उसने जो है वो क्वेश्चन पूछा एक इंटेलिजेंट कैट से, एक क्लेवर कैट से, कि जाने के बारे में कि कौन सा रास्ता मैं लूँ. तो कैट ने ये आंसर दिया कि अगर कहीं पे भी जाना है तो कोई सा भी रोड ले लो, कहीं पे भी जा सकते हो, जा सकती हो. सो जाहिर बात है अगर कहीं पे भी जाना है तो फिर कोई सा भी रोड ले लिया जाए, इस बारे में आपने भी सोचना है. सो अ पर्सन गोइंग नो वेयर विल यूजली गेट देयर. सो इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग. सो डिसीजन मेकिंग और डिसीजन टेकिंग जो है ये मैनेजर की जॉब है, ये मैनेजर की जॉब का हिस्सा है. तो ये हुआ लेसन नंबर 14 कंप्लीट. सो नाउ द लेसन नंबर 15 जिसके अंदर थोड़ा रिकैप है सेशन 14 का. सो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टेकिंग ये मैनेजर की जॉब है जो आपको बताया गया था पीछे भी. सो मैनेजर्स परफॉर्मेंस में एक चीज़ दूसरी पर डिपेंड करती है, एनालिसिस होता है, उसके बाद गोल सेटिंग होती है और नीड्स या गोल्स के बाद एनालिसिस होता है और एनालिसिस के बाद डिसीशंस होते हैं, डिसीशंस के बाद प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद एक्शन होता है और एक्शन के बाद रिजल्ट्स होते हैं. सो कंडीशंस जिनके अंडर जो है वो डिसीशंस बनाए जाते हैं. सो रिस्क होता है दरमियान में, एक तरफ अनसर्टेनिटी यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल और एक तरफ सर्टेनिटी यानी यकीनी सूरत हाल. अनसर्टेनिटी अगर है तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज और अगर सर्टेनिटी है तो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज. सो डिसीशंस है क्या, डिसीजन के अंदर एक्चुअली ये होता है कि एक अल्टरनेटिव्स के दरमियान, ऑप्शंस के दरमियान एक चूज कर लिया जाता है, चूज वन फ्रॉम, चॉइस करना है, चॉइस ली जाती है जो अल्टरनेटिव्स ऑप्शन मौजूद है उनमें से चूज किया जाता है, जो अल्टरनेटिव्स मौजूद है, जो ऑप्शंस मौजूद है उनमें से. और डिसीजन की वजह से ये नहीं होता कि कोई भी चीज़ कुछ ना कुछ तो हो जाए, ऐसा नहीं होता, विली नीली नहीं होता है कि कुछ ना कुछ तो हो जाए. डिसीशंस की वजह से ही ऐसा होता है कि जाहिर बात है जब डिसीशन लिया जाता है तो ये होता है कि हमने ये करना है. अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे तो आउटकम तो आएगा, कुछ ना कुछ तो फिर होगा ही, तो जाहिर बात है डिसाइड करना चाहिए. सो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है. सो डिसीजन मेकिंग है क्या, वो प्रोसेस जिसके जरिए मैनेजर आइडेंटिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को, कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम क्या हैं, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है. और डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रोसेस है जिसके जरिए मैनेजर जो है वो एक्शन लेता है जो कि अफेक्ट करता है डिसीजन को. तो अगर डिसीजन टेकिंग नहीं होती, अगर डिसीजन टेकिंग नहीं हुई तो देखा जाए तो रियल डिसीजन असल में लिया ही नहीं है, बनाया ही नहीं गया. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पीसी खरीदने का डिसीजन लिया है, एक पीसी खरीदने का, और आप उसको नहीं खरीदे, खरीदा आपने, तो देखा जाए तो रियल डिसीजन मेकिंग नहीं हुई, आपने नहीं खरीदा इस वजह से. सो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, पहले डिफाइन करना कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद इंफॉर्मेशन को जमा करना और फिर आइडेंटिफाई करना और असेस करना, इवेल्युएट करना, एग्जामिनेशन करना अल्टरनेटिव को और चूज करना एक कोर्स ऑफ एक्शन को. तो ये हुआ लेसन नंबर 15 कंप्लीट. सो नाउ द लेसन नंबर 16, रैशनल डिसीजन मेकिंग. रैशनल डिसीजन मेकिंग में एक ऑप्टिमल डिसीजन पॉसिबल होता है, यानी कि बेटर से बेटर और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है वो अवेलेबल होती है, और जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो अंडरस्टैंडेबल होती है, और पॉसिबल आउटकम जितने भी होते हैं इन नॉलेज होते हैं, और पॉसिबल अल्टरनेटिव जो होते हैं वो भी इन नॉलेज होते हैं. सो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है जो पीछे भी दिखाया जा चुका है. सो इस
स्टेप्स टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इसमें पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम असल में क्या है कि जहाँ हम मौजूद हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उसके दरमियान एक गैप है, जाहिर बात है एक तरह की प्रॉब्लम है। सो कैटेगराइज करना प्रॉब्लम को और नन प्रॉब्लम को, और डायग्नोज करना कि कॉजेज़ क्या हैं और जो कॉजेज़ हैं क्या वो जेन्युइन हैं, और उसके बाद है जनरेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन, और इसके लिए हम क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं बगैर किसी क्रिटिसिज्म के, ताकि डेवलप कर सके अल्टरनेटिव। सो हम गैदर कहते हैं इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है चूज़ एंड इवेल्यूएट, इवेल्यूएट एंड चूज़ एंड अल्टरनेटिव। सो हम इवेल्यूएट करते हैं और चूज़ कर लेते हैं डिफरेंट अल्टरनेटिव से कि कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है, और उसके लिए देखा जाता है फिजिबिलिटी को, क्वालिटी को, कॉस्ट को, स्पीड, एथिक्स और एक्सेप्टेबिलिटी को। उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन की जाती है और इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो वो मॉनिटरिंग होती है। सो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दोबारा आपको दिखाया जा रहा है, उन्हीं स्टेप्स को थोड़ा सा और खोला गया है। सो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, जनरेट किया जाता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को, ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह की जाती है, इवैल्यूएट किया जाता है फिर कि बेटर कौन सा अल्टरनेटिव है, और एक अल्टरनेटिव को चूज़ कर लिया जाता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जाती है और मॉनिटरिंग की जाती है अल्टरनेटिव की जो चूज़ किया गया, और उसके बाद इवैल्यूएशन होती है डिसीजन इफेक्टिवनेस की। सो नेचर ऑफ द मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फेस। सो क्राइसिस प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम कई तरह की होती हैं, क्राइसिस प्रॉब्लम होती हैं जिनके लिए जो सीरियस प्रॉब्लम होती है और इमीडिएट एक्शन रिक्वायर होता है इन प्रॉब्लम्स के लिए। नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम आती है जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती है लेकिन इमीडिएटली एक्शन रिक्वायर नहीं होता। और कुछ अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम आती है जो कि प्रॉब्लम होती है लेकिन अपने साथ अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, जैसे कि विंटर सीज़न आ रहा है तो विंटर आने से कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नई प्रोडक्ट भी लॉन्च करनी है, लेकिन सारी बात है वो एक अपॉर्चुनिटी भी है कि विंटर की प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की जाएगी। सो नेचर ऑफ़ द मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, प्रोग्राम डिसीजन, कुछ प्रोग्राम डिसीजन होते हैं, नॉन प्रोग्राम डिसीजन भी होते हैं, डिसीजन भी एक तरह के नहीं होते। सो प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं रेपिटेटिव डिसीजन होते हैं, ये रूटीन के डिसीजन होते हैं। मैनेजर्स जो है उन्होंने इस तरह के डिसीजन पहले भी कई बार लिए होते हैं, और इसके अंदर रूल्स और गाइडलाइंस मौजूद होती हैं। और इसकी अगर एग्जाम्पल ली जाए तो जैसे कि ऑफिस सप्लाई को रीऑर्डर करना है, तो ऑफिस सप्लाई हर महीने आती है, उसको दोबारा रीऑर्डर करना है, प्रोग्राम डिसीजन है, इसके लिए रूल्स और गाइडलाइंस जो है वो मौजूद हैं। और नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं जिसके अंदर अनयूजुअल किस्म की सिचुएशन आती है और कोई भी रूल्स उसके अंदर पहले से मौजूद नहीं होते, और इसके अंदर जो डिसीजन लिया जाता है वो बेस करता है इन्फॉर्मेशन के ऊपर, मैनेजर की इंट्यूशन के ऊपर और जजमेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल फर्म को क्या इन्वेस्ट करना चाहिए नई टेक्नोलॉजी के अंदर। सो नाउ द लेसन नंबर 17, सो मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग इन पोलका। पोलका के पर्सपेक्टिव के अंदर डिसीजन मेकिंग ही बेसिकली मैनेजिंग है, यानी कि सिनोनिमस है डिसीजन मेकिंग मैनेजिंग के। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग और एश्योरेंस, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कौन सी स्ट्रेटजीज जो है बेहतर होंगी उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए और कितना डिफ़िकल्ट होना चाहिए इंडिविजुअल्स के गोल को। और उसके बाद है फिर ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि हाउ मेनी एम्प्लॉय शुड आई हैव रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी, कितने एम्प्लॉय को डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करना चाहिए, और कैसे जॉब्स को डिज़ाइन होना चाहिए, और कब एक ऑर्गेनाइजेशन का को डिफरेंट स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और लीडिंग के अंदर आ जाता है कैसे जो है वो मैं हैंडल करूँगा उन एम्प्लॉयज़ को जो कि लो है मोटिवेशन में, और क्या इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है गिवन सिचुएशन में, और कैसे डिफरेंट वर्क ग्रुप जो है वो वर्क कर सकते हैं टीम की तरह। और कंट्रोलिंग के अंदर है कि किस तरह का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन को जिनको कंट्रोल होने की ज़रूरत है, और कैसे जो है वो स्पेसिफिक चेंज जो है वो अफेक्ट करेगा वर्कर की प्रोडक्टिविटी को। और आखिर में जो है वो एश्योरेंस है, और जिसके अंदर क्वेश्चन है कि क्या गारंटी है कि मेरा जो डिसीजन मेकिंग है जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उससे डिज़ायर्ड रिजल्ट हासिल होंगे। सो नेचर ऑफ द मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग, सो इसके अंदर प्रोग्राम डिसीजन है जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि प्रोग्राम डिसीजन जो है वो रूटीन का होता है, और इसके अंदर मैनेजर ने ऑलरेडी कई बार डिसीजन लिया होता है, और इसके अंदर रूल्स और गाइडलाइन मौजूद होती हैं। इसकी एग्जांपल ली जाए तो ऑफिस सप्लाई को रीऑर्डर करना। सो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन, सो वेल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है जो कि बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बिल्कुल एक तरह से सीधी प्रॉब्लम होती है, और फैमिलैरिटी होती है इस प्रॉब्लम के साथ,
और इजीली डिफाइंड होती हैं। सो प्रोग्राम डिसीजन का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए, और मिनिमाइज कर दिया जाता है मैनेजमेंट मैनेजर की जो मर्जी होती है उसकी ज़रूरत को, और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी होती है। सो प्रोग्राम डिसीजन की कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। जैसे कि ये डिसाइड करना है कि स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है क्या, तो ये क्रेडिट आवर्स से पता चल जाता है। और इस बात को डिसाइड करना है कि वर्कर स्किल्ड वर्कर की डेली वेजेस को, और हॉस्पिटल लेबोरेटरी चार्जेस जो है ब्लड शुगर टेस्ट के लिए, और कस्टमर जो है वो रिटर्न करना चाहता है एक परचेज प्रोडक्ट, और रीऑर्डर करना किचन सप्लाई को रेस्टोरेंट के अंदर। तो ये तमाम प्रोग्राम डिसीजन में आते हैं। उसके बाद है पर नॉन प्रोग्राम डिसीजन, जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। ये अनयूजुअल सिचुएशन आ जाती है तब होता है, और इसमें कोई रूल्स पहले से मौजूद नहीं होता क्योंकि डिसीजन नया होता है, और डिसीजन बेस करता है इन्फॉर्मेशन मैनेजर इंट्यूशन और जजमेंट के ऊपर। तो इसकी एग्जांपल ली जाए तो जैसे कि फर्म जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती है नई टेक्नोलॉजी में। सो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और डिसीजन को अगर हम देखें, सो पोअरली स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती हैं जो कि बिल्कुल ही जारी बातें नई होती है, अनयूजुअल होती है, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो अनक्लियर होती है या इनकम्प्लीट होती है। सो नॉन प्रोग्राम डिसीजन का इस्तेमाल किया जाता है पोअरली स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए, प्रोड्यूस किया जाता है कस्टमर रिस्पॉन्स को, और ये ज़्यादातर होती है हायर लेवल मैनेजर्स के दरमियान। सो नॉन प्रोग्राम डिसीजन की कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सिलेक्शन करना है आर्किटेक्चर की ताकि डिज़ाइन कर सके नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और इन्वेस्ट किया जाए या ना इन्वेस्ट किया जाए नई टेक्नोलॉजी में, और इसके अलावा शट डाउन कर दिया जाए या इन्वेस्ट किया जाए जो मनी लूजिंग डिवीजन है ऑर्गेनाइजेशन का उसके अंदर, और इसके अलावा एक एकेडमिक डिसिप्लिन से दूसरे एकेडमिक डिसिप्लिन पर स्विच करना बेस्टर ग्रोथ के लिए। तो ये है, तो खैर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अपनी स्पेशलाइजेशन चेंज करते हैं, और आप में से भी कई लोगों ने ऐसा किया होगा या करने का सोच रहे होंगे, या आपके क्लास फेलो या कोई रिलेटिव या फ्रेंड ने ऐसा किया होगा। सो अगर हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ डिसीजंस और लेवल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों को एक साथ देखें तो हमारे सामने प्रोग्राम डिसीजन जो है जारी बात है वहाँ होते हैं जहाँ पर वेल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है और लोअर लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं जहाँ पर इल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है और वो टॉप लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। सो नाउ दी एलिमेंट ऑफ रिस्क, सो अब एलिमेंट ऑफ रिस्क है, इसका मतलब क्या होता है कि ये पॉसिबिलिटी होना कि जो डिसीजन जो चूजन डिसीजन है उससे लॉस होगा इंटेंडेड रिजल्ट की जगह, जो रिज़ल्ट हासिल करना चाह रहे हैं उसकी जगह लॉस होगा, तो ये जो है एलिमेंट ऑफ रिस्क है। तो जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि जो डिसीजन है उससे लॉस होगा उतना ज़्यादा एलिमेंट ऑफ रिस्क है। सो मॉडल्स ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग, रैशनल मॉडल, रैशनल डिसीजन मेकिंग, इसमें सबसे पहले जारी बातें डिफाइन किया जाता है इशू को, सेट किया जाता है गोल्स को, और उसके बाद गोल्स को सेट करने के बाद सर्च किया जाता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के लिए, कंपेयर किया जाता है और इवेल्यूएट किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को, और चूज़ कर लिया जाता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के दरमियान, और इम्प्लीमेंट किया जाता है सिलेक्टेड सॉल्यूशन को, और उसके बाद यू विल फॉलो अप एंड कंट्रोल इट। सो नॉन रैशनल मॉडल, अब नॉन रैशनल मॉडल क्या होता है, इसके अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो अनसर्टेन है, डिसीजन मेकर्स के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और डिफ़िकल्ट होता है मैनेजर के लिए वो ऑप्टिमल डिसीजन लें, यानी कि बेटर से बेटर डिसीजन मुश्किल होता है मैनेजर के लिए। सो नाउ द लेसन नंबर 18, लिमिट्स टू रैशनल डिसीजन मेकिंग। बाउंडेड रैशनैलिटी, यानी कि रैशनैलिटी लिमिटेड है, रिस्क एंड रिस्की डिसीजन, जितने ज़्यादा रिस्की डिसीजन होते हैं उतने ज़्यादा फेलियर ऑफ चांसेस होते हैं, चांसेस ऑफ फेलियर होते हैं, और कॉमन डिसीजन मेकिंग मिस्टेक, यानी कि रिलाई करना एक सोर्स ऑफ एक इंफॉर्मेशन सोर्स के ऊपर। सो फॉर कॉन्स्टेंट ऑन रैशनल डिसीजन मेकिंग, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं यानी कि इंसान भूल भी सकता है, और एक्सपर्टीज प्रॉब्लम होती हैं कि अगर एक एक्सपर्ट भी एक सब्जेक्ट का एक चीज़ का तो ज़रूरी नहीं है कि उसको तमाम चीज़ें पता हों, जैसे कि मैनेजमेंट के प्रोफेसर को भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम मैनेजमेंट की चीज़ें पता हों, कई सारी चीज़ें पता होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी होती। सो मैक्सिमाइजिंग डिसीजन, इसका मतलब क्या है कि चूज़ करना ऑप्टिमल सॉल्यूशन को, बेटर से बेटर सॉल्यूशन को, और इसके लिए रिक्वायर होता है फुली रैशनल डिसीजन कंडीशंस। सो आपके सामने बाउंडेड रैशनैलिटी का एक छोटा सा केस स्टडी है। सपोज आप जो BBA ग्रेजुएट हैं और आप जो वो काम करना चाहते हैं एक बैंक में जिसकी मिनिमम सैलरी 9000 हो और जो 25 किलोमीटर के फासले पर हो आपके घर से, आप एक जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं रिटेल स्टोर में जो कि 50 किलोमीटर के फासले पर है आपके घर से एज अ क्रेडिट ऑफिसर के तौर पर, और आप
10,000 पर मंथ पे काम करते हैं। और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जॉब सर्च करने से पता चला कि एक मल्टीनेशनल बैंक के अंदर जॉब अवेलेबल है जो कि 10 किलोमीटर के फासले पर है आपके घर से, और 12,000 वहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी है। तो क्योंकि फर्स्ट जॉब जो है आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री थी, गुड इनफ थी, तो आपने बिहेव किया बाउंडेड रैशनल मैनर में उसको एक्सेप्ट करते हुए, यहाँ तक कि हालांकि परफेक्ट रैशनैलिटी के मुताबिक एक जॉब अवेलेबल थी लेकिन आपने मैक्सिमाइज नहीं किया अपने डिसीजन को। तो ये हुआ बाउंडेड रैशनैलिटी का एक छोटा सा केस स्टडी। सो सेटिस्फाइसिंग डिसीजन, इसका मतलब क्या होता है कि चूज़ किया जाता है गुड एनफ सॉल्यूशन को, यानी कि जो गुड एनफ है बस उसको चूज़ कर लिया जाता है। मैक्सिमाइजेशन नहीं होती इसके अंदर, पॉसिबल नहीं होती क्योंकि कॉन्स्टेंट्स होती हैं, रुकावटें होती हैं, और बाउंड्री रेशनैलिटी के साथ फिट रहा जाता है। तो बाउंड्री रेशनैलिटी है क्या? इट इज़ द आइडिया डैट रेशनैलिटी इज लिमिटेड है, रेशनैलिटी जो है वो लिमिटेड है व्हेन इंडिविजुअल मेक्स डिसीजन, जब इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो जब इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग करते हैं तो रेशनैलिटी जो है वो लिमिटेड है। सो सेटिस्फाइज, इसका मतलब ये होता है कि एक्सेप्ट करना सोल्यूशन को जो कि गुड एनफ हो, जो गुड एनफ है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट है, यानी कि कमिटमेंट को इंक्रीज किया जाता है प्रीवियस डिसीजन की, इवन के ये तक पता चल जाए कि जो डिसीजन है वो रॉन्ग है उसके बावजूद भी। सो सेटिस्फाइसिंग मॉडल में क्या होता है कि मैनेजर जो है वो तलाश करता है अल्टरनेटिव जो उसको सेटिस्फैक्ट्री दिखाई देता है, ना के ऑप्टिमल डिसीजन, सिर्फ वो सेटिस्फैक्ट्री जो दिखाई देता है उसी को वो तलाश करता है। सो फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं सेटिस्फाइसिंग डिसीजन को, उसके अंदर है लिमिटेड सर्च, सर्च जो है वो लिमिटेड, इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन होना, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बाइस होना, तरफदारी। सो सेटिस्फाइसिंग डिसीजन मेकिंग में टाइम्स कॉन्स्टेंट होती है, टाइम भी जारी बात है उसकी भी एक रुकावट होती है, और लिमिटेड एबिलिटी होती है तमाम फैक्टर्स को समझने की, इतनी काबिलियत नहीं होती कि तमाम फैक्टर को जो है वो समझा जाए, और इन एडिकेट बेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, नाकाफ़ी होती है, और लिमिटेड मेमोरी होती है डिसीजन मेकर की, भूल भी सकते हैं वो, और पुअर परसेप्शन होता है उन फैक्टर्स का जिनको कंसिडर किया जाता है डिसीजन प्रोसेस में, उनके बारे में जो समझ है या ख्याल है वो पुअर होता है। सो इंक्रीमेंटल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल में मैनेजर रिड्यूस करता है एक प्रॉब्लम को टॉलरेबल लेवल तक। रबिश बिन मॉडल, इसमें क्या होता है कि मैनेजर जो है वो बिहेव करता है वर्चुअली एक रैंडम तरीके से नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग के अंदर। सो एमडी डायरी से डिसीजन के बारे में कुछ आपको दिखाया जा रहा है, तो इनका कहना है कि आई वुड लाइक टू थिंक दैट मोस्ट डिसीजंस इन ऑर्गेनाइजेशन आर मेड इन टीम। सो मैं सोचना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो डिसीजन बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो टीम इन्वायरमेंट में हैं, और आई से दिस वाइल रियलाइजिंग दैट देयर ऑलवेज रिमेन द नीड फॉर अ फाइनल पॉइंट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट रेस्ट विद मी। और मैं कह रहा हूँ ये रियलाइज़ करते हुए कि हमेशा जो है वो ज़रूरत रहती है फाइनल पॉइंट ऑफ आर्बिट्रेशन की, हाउएवर जनरली डिसीजंस आर नॉट रीच यूनिलैटरली बट थ्रू द ब्रॉड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर। जबकि जनरली डिसीजन जो है वो उन तक नहीं पहुँचा जाता यूनिलैटरली, बल्कि ब्रॉड इन्वॉल्वमेंट के साथ स्टेक होल्डर की, तमाम स्टेक होल्डर की। सो ग्रुप डिसीजन मेकिंग, इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, नुकसान ये होता है कि टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। फ़ायदा ये कि ज़्यादा अल्टरनेटिव सोल्यूशंस हैं, नुकसान ये कि डिले भी होता है। फ़ायदा ये कि सोल्यूशन की एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है, नुकसान ये होता है डोमिनेशन होती है इंडिविजुअल्स की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं तो उनकी ज़्यादा चलती है, जबकि जाहिर बात है जो लोग खामोश हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, वो ज़्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और जो इससे ये फ़ायदा होता है कि नॉलेज की जो मेंबर्स हैं उनकी नॉलेज और स्किल के अंदर इजाफा होता है, और ग्रुप थिंकिंग का रिस्क है ये नुकसान है, यानी कि ग्रुप बना लेते हैं लोग, इंजीनियर्स के अलग ग्रुप बन गए, MBA वालों के अलग ग्रुप बन गए। अब प्रोडक्शन के बारे में डिसीजन लेना है तो प्रोडक्शन के बारे में इंजीनियर्स को ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन सारी बात है मैनेज MBA का ग्रुप बड़ा है तो उनकी मर्ज़ी चल रही है, तो ये भी एक बड़ा नुकसान हो जाता है। सो इन्हेंसिंग क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाना, इसके अंदर टेक्निक से ब्रेन स्टॉर्मिंग, डेल्फी ग्रुप टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक और सिनेरियो एनालिसिस। सो नाउ द लेसन नंबर 19, जिसके अंदर थोड़ा सा रिकैप है सेशन नंबर 18 का। सो एनहेंसिंग क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाई जाती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, डेल्फी टेक्निक और सिनेरियो एनालिसिस।
सो क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि क्रिएशन करना नए आइडियाज़ की, नए मेथड्स की या नई प्रोडक्ट या सर्विसेज की। सो क्रिएटिविटी इंप्रूव करती है डिसीजंस की क्वालिटी को और ये इंक्रीज करती है स्कोप को उन अल्टरनेटिव का जिनको कंसिडर किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और ये असेंशियल है डील करने के लिए उन प्रॉब्लम के साथ जो नो रिपीटेटिव हो। सो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपने दो क्वेश्चन हैं आपके सामने कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आप 10 साल बाद गाड़ियों में देखना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तानी गाड़ियां काफ़ी पीछे हैं फीचर के मामले में। और दूसरा वाला तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए कि कौन सी नई अप्रोचेस हैं जिनका इस्तेमाल करके रिसेंट ग्रेजुएट्स जो है वो बेटर जॉब हासिल कर सकते हैं। तो जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं कौन सी अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हुए वो बेटर जॉब्स हासिल कर सकते हैं, तो ये तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसके बारे में आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी हो सकती है, कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए भी। तो इसके कुछ रूल्स हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, इसके अंदर क्रिटिसिज्म रूल्ड आउट है, यानी कि क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, तमाम आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है क्योंकि क्वान्टिटी इसके अंदर ज़रूरी होती है, और कॉम्बिनेशन और इम्प्रूवमेंट होती है, यानी कि आइडियाज़ को कंबाइन करके एक नया आइडिया भी बनाया जाता है। सो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, इसके नाम से पता चल रहा है कि ग्रुप के बारे में है। सो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जो है वो ग्रुप प्रोसेस है जिसके अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सॉल्यूशन जनरेशन और डिसीजन मेकिंग जो है वो शामिल है। इसमें होता क्या है कि ग्रुप बैठा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिफाइंड होती है। सो तीन स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं डेल्फी टेक्निक के। सो पहले जो है, सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चन ईयर जो है वो भेजा जाता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को, वो पार्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और उसके बाद आंसर आ जाता है जब उनसे, तो उसको कंपाइल किया जाता है और पहले राउंड की जो है वो समरी बन जाती है, और फिर उस समरी को सेंड बैक किया जाता है और दोबारा जो है वो आंसर रिसीव किए जाते हैं, तो सेकेंड राउंड की समरी जो है वो प्रिपेयर्ड होती है। सो रीजंस फॉर यूजिंग सिनेरियोस, इसके अंदर क्या रीजंस हैं सिनेरियो को इस्तेमाल करने का। सो डेवलप किया जाता है एक सीन जो है वो फ्यूचर के लिए, और यू कुड थिंक अबाउट पॉसिबल इवेंट्स, और तीसरा ये कि कंटिंजेंसी प्लान, अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे। सो नाउ द डेविल्स एडवोकेसी, इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जनरेट किया जाता है एक पोटेंशियल सोल्यूशन को, और डेविल्स एडवोकेट को असाइन किया जाता है ताकि वो क्रिटिसाइज करे, उसका काम ही क्रिटिसाइज करना होता है, और उसके बाद प्रेजेंट किया जाता है क्रिटिक जो है सोल्यूशन का की डिसीजन मेकर को, और इजाफी इंफॉर्मेशन जमा की जाती है, और उसके बाद आखिर में डिसाइड किया जाता है कि क्या यूज़ करना है, चेंज करना है या फिर नहीं यूज़ करना ओरिजिनली प्रपोज सोल्यूशन। सो उसके बाद फिर डेमिंग साइकिल, अब जो डेमिंग साइकिल है ये जो है इसके अंदर प्लानिंग, प्लान डू चेक और एक्ट। सो ये जो है एक कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल है जिसके अंदर लॉजिकल सीक्वेंस है चार की स्टेजेस का, प्लान डू चेक और एक्ट। प्लान के अंदर प्लान किया जाता है, प्लान बनाया जाता है, डू के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है उस प्लान को, और चेक के अंदर स्टडी किया जाता है रिजल्ट्स को, और एक्ट के अंदर एक्शन लिया जाता है स्टैंडर्डाइज करने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस को। सो क्रिएटिविटी रिक्वायर्स बहुत कन्वर्जेंट थिंकिंग। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि मूव लॉजिकली टू अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, लॉजिकली जो है वो मूव किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या है मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जनरेट किया जाता है नए तरीकों को टू लुकिंग एट द प्रॉब्लम, जनरेट न्यू वेज टू लुकिंग एट द प्रॉब्लम। और उसके बाद है फिर वर्टिकल थिंकिंग। सो वर्टिकल थिंकिंग जो है वो स्टेप वाइज है, सिक्वेंशियल एंड रैशनल स्टाइल है। सो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है कन्वेंशनल लॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हुए, और लेटरल थिंकिंग है ये स्टेप वाइज तो है लेकिन ये सिक्वेंशियल नहीं है। सो लेटरल थिंकिंग की बात हो तो डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो का नाम आ जाता है। सो उसके बाद फिर इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, इसको सिक्स सेंस के तौर पे भी जाना जाता है, ये अपोजिट है रैशनल डिसीजन मेकिंग के। रैशनल डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि एनालिटिक्स फैक्ट्स और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, लेकिन ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। इसके अंदर लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं नेचुरली बगैर किसी फॉर्मल टूल्स या प्रोसीजर के, और डिसीजन जो है इसमें बेस्ड करता है पास एक्सपीरियंस के ऊपर। सो मैनेजमेंट साइंस और ऑपरेशन रिसर्च, सो प्लानिंग एंड डिसीजन एड,
डिसीजन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाता है मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए। सो नाउ द लेसन नंबर 20, प्लानिंग एंड डिसीजन एड्स। सो इंक्रीज किया जाता है डिसीजन की इफेक्टिवनेस को मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए। फॉर असेसिंग एनवायरनमेंट, इसके अंदर एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, फॉरकास्टिंग है और बेंचमार्किंग है। फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, इसके अंदर बजटिंग है, स्केड्यूलिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस है और लीनियर प्रोग्रामिंग है। और कंटेम्प्रेरी प्लानिंग टेक्निक के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिनेरियो एनालिसिस है। सो फॉर असेसिंग एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में क्या होता है कि स्क्रीनिंग की जाती है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ताकि एंटिसिपेट किया जा सके, प्रिडिक्ट किया जा सके और इंटरप्रेट किया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में। उसके बाद है फिर सॉट एनालिसिस। सॉट एनालिसिस के अंदर चार चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड। स्ट्रेंथ वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेड उसको बाहर से मिलती है। उसके बाद है फिर कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। इसके अंदर क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं और उनके एक्शन से किस तरह से अफेक्ट हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि हर कॉम्पिटिटर के एक्शन से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट होता है। उसके बाद है फिर फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग क्या है? फ्यूचर प्रिडिक्शन। जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग आप देखते हैं तो वो फ्यूचर प्रिडिक्शन की जा रही होती है। उसके बाद है फिर फॉरकास्टिंग के मेथड्स। तीन मेथड है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और जजमेंटल। क्वांटिटेटिव फॉरकास्टिंग में जो है वो रिलाई किया जाता है न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर, इनके नंबर्स वाला डेटा और मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर, ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके फ्यूचर कंडीशंस को। और क्वांटिटेटिव के अंदर दो मेथड्स हैं, एक है टाइम सीरीज जिसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है हिस्टोरिकल डेटा को ताकि फॉरकास्ट किया जा सके फ्यूचर, और एक है एक्सप्लेनेटोरी जिसके अंदर वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बिकॉज वन वेरिएबल कॉजिंग चेंज जिस इन अनदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में तब्दीली का बायस बनता है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में तब्दीली का जो है वो बायस बनता है, चेंजेस का बायस बनता है। उसके बाद है फिर टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में क्या होता है कि प्रिडिक्ट करते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जारी बात है चेंज आता रहता है, तो प्रिडिक्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी ट्रेंड। फॉर एग्जांपल जैसे आज से 100 साल पहले जब गाड़ियाँ नई नई आई थी तो मैन्युफैक्चरर कहते थे कि हम सिर्फ ब्लैक कलर की गाड़ी जो है वो बेचेंगे और उस दौर में लोग खरीदते थे क्योंकि गाड़ियाँ नई आई थी। लेकिन अगर आज के दौर में भी कोई मैन्युफैक्चरर इस तरह की बात करे तो कोई भी उनसे ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं खरीदेगा सिवाय उनके जो जिनको ब्लैक कलर पसंद हो। सो फॉरकास्टिंग के अंदर जजमेंटल है। अब जजमेंटल फॉरकास्टिंग जो होती है ये रिलाई करती है इंडिविजुअल जजमेंट के ऊपर। सो बहुत से केसेस में जजमेंटल फॉरकास्टिंग ही ऑप्शन होता है जहाँ पर कंप्लीट लैक ऑफ हिस्टोरिकल डेटा होता है और या फिर नई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो रही होती है या फिर नया कॉम्पिटिटर जो है वो एंटर होता है मार्केट में या फिर कंप्लीटली न्यू या फिर यूनिक मार्केट कंडीशन होती है। सो उसके बाद है फिर बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या है? सर्च करना बेस्ट प्रैक्टिसेस को कॉम्पिटिटर्स या नॉन कॉम्पिटिटर्स के दरमियान। सो फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, बजटिंग, स्केड्यूलिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। सो बजटिंग, बजट क्या है? बजट जो है एक न्यूमेरिकल प्लान है, यानी कि नंबर्स के अंदर होता है, ये अल्फाबेट्स के अंदर नहीं होता कभी भी, बजट नंबर्स में होता है। और बजट तो आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर हर साल बजट आता है और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना बजट बनाती हैं, घरों के अंदर लोग बजट बनाते हैं। सो न्यूमेरिकल प्लान है एलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, यानी कि इस एक्टिविटी के लिए इतने रिसोर्सेज एलोकेट किए गए, इस एक्टिविटी के लिए इतने रिसोर्सेज एलोकेट किए गए और एंड इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। और एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है जैसे कि एक महीने का है या एक साल का है, एक महीने का बजट है या एक साल का बजट है। सो नाउ द लेसन नंबर 21, इसके अंदर थोड़ा सा रिकैप है लेसन नंबर 20 का। सो फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, बजटिंग, स्केड्यूलिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। सो बजटिंग आपको पीछे भी बताया जा चुका है, बजट जो एक न्यूमेरिकल प्लान है, नंबर्स होते हैं इसके अंदर, एलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, यानी कि इस एक्टिविटी के लिए इतने रिसोर्सेज, इस एक्टिविटी के लिए इतने रिसोर्सेज इन अ स्पेसिफाइड स्पेसिफिक पीरियड, एक खास जो है वो पीरियड होता है, यानी कि एक महीने का बजट होता है या एक साल का बजट होता है इस तरह से। स्केड्यूलिंग के अंदर क्या होता है कि हम स्केड्यूल बना लेते हैं,
हम एक स्केड्यूल बनाते हैं एक्टिविटीज़ का, फॉर एग्जांपल जैसे कि टाइम टेबल जो है ये भी जो है एक स्केड्यूल है। सो उसके बाद है फिर गैंट चार्ट, इसको हेनरी गैंट ने दिया है और इसको जो है वो बार चार्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर बार ड्रॉ किए जाते हैं कि कितने दिन जो है वो रिक्वायर्ड है एक एक्टिविटी के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लानिंग के लिए जो है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रिक्वायर्ड है, रिसर्च के लिए ट्यूसडे वेडनेसडे रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से जो है वो बार्स डिफरेंट बनाए जाते हैं। और उसके बाद है फिर पर्ट नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि एक एक्टिविटी डिपेंड करती है दूसरी एक्टिविटी के ऊपर, डिपेंडेंट है यानी कि। सो ये जो है फ्लो चार्ट की तरह डायग्राम होती है जो कि शो करती है सीक्वेंस सीक्वेंस जो है एक्टिविटीज़ का जिनकी ज़रूरत होती है कंप्लीट करने के लिए एक प्रोजेक्ट। उसके बाद है फिर ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है ये इसकी मदद से जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है उस पॉइंट को जहाँ पर टोटल रेवेन्यू जो है वो बराबर होता है टोटल कॉस्ट के। इनके नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है, ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। उसके बाद अभी लीनियर प्रोग्रामिंग, ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि सॉल्व करती है रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम्स को। सो नाउ द कंटेम्प्रेरी प्लानिंग टेक्निक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिनेरियो एनालिसिस। सो प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट जो है वो सेट ऑफ एक्टिविटी है लेकिन वन टाइम सिर्फ एक बार। इसमें प्रोजेक्ट जो होता है वो जारी बात है एक बार होता है और उसके बाद फिर वो कंप्लीट हो जाता है। तो सेट ऑफ एक्टिविटी है वन टाइम ओनली और दैट हैज़ अ डेफिनेट बिगनिंग एंड एंडिंग पॉइंट इन टाइम। और उसके बाद है फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को करना टाइम के ऊपर विद इन बजट और अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक भी। उसके बाद है फिर सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस में क्या होता है कि डेवलप किया जाता है एक सिनेरियो, सो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ डेटा। सो एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए एक ऐसी टेक्निक है जो प्रोवाइड करती है रैशनल और स्ट्रक्चर तरीका एनालाइज करने के लिए फ्यूचर। सो अदर मेथड्स में हमारे पास आ जाता है क्यूइंग। इसमें क्या होता है कि क्यू होती है, सिमुलेशन मॉडल में एक मॉडल जो है वो डेवलप किया जाता है रियलिटी का। रियलिटी होती नहीं है लेकिन वो एक मॉडल बना लिया जाता है। जैसे कि आज के दौर में काफ़ी सारे गेम्स आ रहे हैं जिनको साइमुलेशन का नाम दिया जाता है, जैसे कि यूरो ट्रक साइमुलेटर है, तो वो इसी वजह से दिया जाता है कि वो असली की तरह लगता है लेकिन वो असली है नहीं। तो साइमुलेशन मॉडल में यही होता है कि एक मॉडल बना लिया जाता है रियलिटी का, वो असली रियलिटी नहीं होती लेकिन वो असली लगता है। और उसके बाद है फिर डिसीजन ट्री, यानी कि थिंक लाइक अ ट्री। एक ट्री बनाया जाता है, अगर ये हुआ तो ये, और फाइनल डिसीजन पे पहुंचा जाता है। सो नाउ दी लेसन नंबर 22 जो कि लास्ट लेसन है आज की इस वीडियो का भी और मिड टर्म से पहले का भी। सो व्हाई डू मैनेजर प्लान, पर्पस ऑफ प्लानिंग क्या है? सो ये जो है प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, यानी कि बुनियादी फंक्शन है मैनेजमेंट का। एंड वी हैव टू प्लान फॉर ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। सो प्लानिंग इन पॉल का प्लानिंग जो है वो प्लानिंग के लिए भी है, ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी है, लीडिंग के लिए भी है, कंट्रोलिंग के लिए भी है और एश्योरेंस के लिए भी है। सो इसका दूसरा पर्पज़ ये है कि प्लानिंग जो है वो इस्टेब्लिश करती है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, हु विल डू व्हाट। सो यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट जो है इस्टेब्लिश करती है प्लानिंग, और प्लानिंग जो है वो रिड्यूस करती है अनसर्टेनिटी यानी कि बेयकीनी को। और प्लानिंग की वजह से ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ के अंदर कमी आती है। जैसे कि अब प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि एक शख्स ने एक काम करना है, दूसरे शख्स ने दूसरा काम करना है, तो कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो बार बार होगा। तो उससे क्या होगा कि ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होगी। और प्लानिंग एस्टेब्लिशेस गोल्स, गोल्स कौन से अचीव करना चाहते हैं उसके लिए क्या प्लानिंग है। टू अचीव डिफरेंट गोल्स, व्हाट आर डिफरेंट प्लान्स। और जनरली स्पीकिंग अगर बात की जाए तो फॉर्मल प्लानिंग जो है वो जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड है हायर प्रॉफिट के साथ और हायर रिटर्न ऑन एसेट्स के साथ। सो क्वालिटी ऑफ प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग दोनों जो है वो गारंटी करती हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर जाएगी। अगर दोनों चीज़ें होंगी, क्वालिटी ऑफ प्लानिंग भी होगी और इम्प्लीमेंटेशन भी होगी उस प्लानिंग की, तो उससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर जाएगी। सो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है वो जो है जारी बात है थ्रेट हो सकता है फॉर्मल प्लानिंग के लिए। और
प्लानिंग और टाइमिंग के दरमियान एक रिलेशनशिप है, जितना पहले आप प्लान करेंगे उतना बेटर होगा। सो प्लानिंग, प्लानिंग में क्या होता है कि डिफाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, इस्टेब्लिश किया जाता है एक ओवरऑल स्ट्रेटजी को, डेवलप किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्लान को, ताकि इंटीग्रेट किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को। सो प्लानिंग के अंदर एक गोल को चूज़ किया जाता है और डेवलप की जाती है स्ट्रेटजी ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके। सो प्लानिंग के फ़ायदे हैं, पहला है इंटेंसिफाइड एफर्ट, इट मेक यू सॉरी परसिस्टेंस है पहले, इट मेक यू परसिस्टेंस, यानी कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। जैसे कि आपने कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी होगी, उसके अंदर कछुआ जो है वो परसिस्टेंस होता है, जबकि खरगोश जो है वो तेज़ होने के बावजूद जो है वो आराम कर रहा होता है और इसी वजह से वो हार जाता है। सो कछुआ जो है वो परसिस्टेंस है। सो प्लानिंग मेक्स यू परसिस्टेंस, और इंटेंसिफाइड एफर्ट होती है यानी कि हाउ मच एफर्ट्स रिक्वायर्ड, और डायरेक्शन भी इससे मिलती है प्लानिंग से, और क्रिएशन ऑफ टास्क स्ट्रेटजी इनके हु विल परफॉर्म विच टास्क। इसकी एग्जाम्पल क्रिकेट से लें तो नंबर वन पे कौन बैटिंग करेगा, नंबर टू पे कौन बैटिंग करेगा। सो फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, आइडेंटिफाई करना फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को, एक्सप्लोर करना और अवॉइड करना फ्यूचर प्रॉब्लम को, और डेवलप करना कोर्सेज ऑफ एक्शन, अगर ये एक्शन काम नहीं करा सो आई विल डू डैट एक्शन, और ये हेल्प करती है, इट हेल्प्स यू टू अवॉइड अनसर्टेनिटीज। सो द रोल ऑफ गोल्स एंड प्लान्स इन प्लानिंग, सो प्लानिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं गोल को, सो विच प्लान वी विल इम्प्लीमेंट फॉर गोल। सो गोल अचीव हो जाता है और फिर जो है वो जारी बात है आउटकम आ जाती है, लेकिन लाजमी जो है वो मेजरमेंट होनी चाहिए। सो प्लान्स हाउ यू विल अचीव द गोल, कैसे आप जो है वो अचीव करेंगे गोल्स को। सो करेक्टरिस्टिक्स है वेल डिज़ाइन गोल की, पहली चीज़ तो ये कि रिटर्न होना चाहिए, लिखा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आउटकम, और इसको जो है वो नापा जा सके, मेजरेबल हो और क्वान्टिफाइबल हो, और शुड बी क्लियर एज टू अ टाइम फ्रेम, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वनडे मैच है तो जाहिर बात है एक ही दिन में जीतना है, क्रिकेट से एग्जाम्पल ली जाए तो अब वनडे मैच है एक दिन में जीतना है, अब कोई प्लेयर बोले कि नहीं मैं एक दिन में नहीं जीत सकता, मैं तो स्लो खेलने वाला प्लेयर हूँ, तो अब जाहिर बात है वो टेस्ट का प्लेयर है तो जाहिर बात है वो वनडे मैच में नहीं चल पाएगा। और गोल जो है वो चैलेंजिंग होना चाहिए लेकिन अटेनेबल हो, आसान सा कोई गोल ना हो, चैलेंजिंग हो लेकिन जाहिर बात है अटेनेबल भी हो, ऐसा ना हो कि इम्पॉसिबल किस्म का गोल हो। और गोल जो है वो रिटर्न डाउन होना चाहिए और उसको कम्युनिकेट करना चाहिए तमाम ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर के साथ जिनको ज़रूरत हो गोल को जानने की। सो तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कोई भी एक सिंगल मेजर नहीं है जिसके ज़रिए इवेल्यूएट किया जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं। सो डिफरेंट तरह के गोल्स होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जो कि रिलेट करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से, सेल हाई है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, और स्ट्रेटेजिक गोल्स जो कि रिलेट करता है अदर एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस से। सो टाइप्स ऑफ प्लान्स, स्ट्रेटेजिक प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान जो होता है ये अप्लाई टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई होता है ये। और ऑपरेशनल प्लान जो होता है ये जो है जाहिर बात है इसको बनाते हैं फ्रंट लाइन या फिर लो लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, और तमाम ऑपरेशनल प्लान जो है वो फोकस करते हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस के ऊपर दैट अकर्स विद इन द लोअर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये कवर करता है शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड।